हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये कितने तरीके का होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर एंड द मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन ह्यूमन। पहला तो ये होता है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और इसमें कहा जा रहा है ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन ह्यूमंस। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोमल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ह्यूमंस में जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हर सेल में, तो यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, और उसमें 22 क्रोमोसोम जो होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और वो मेल और फीमेल में 22 पेयर जो क्रोमोसोम के होते हैं, ऑटोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं, और जो 23 पेयर होता है, जो 23वां पेयर होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो ये जो 22 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं हम ह्यूमंस में, उसे ही हम ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कहते हैं। तो उसी में गड़बड़ी के होने से ये डाउन सिंड्रोम होता है। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, यानी ट्राइसोमी ऑफ 21। तो ट्राइसोमी क्या होता है कि जनरली क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं, जैसे हम ह्यूमंस में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें जो होता है, अगर जो 21 पेयर होता है, जो 21वां पेयर क्रोमोसोम का होता है, अगर उसमें एक एक्स्ट्रा पेयर क्रोमोसोम का हो जाए, यानी दो की जगह पे एक और एक्स्ट्रा आ जाए, तो इस कंडीशन को ट्राइसोमी कहते हैं। और डाउन सिंड्रोम में 21वें पेयर पे तीन क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक एक्स्ट्रा, इसीलिए इसे ट्राइसोमी ऑफ 21 कहते हैं। और इट इज नेम्ड आफ्टर जॉन लैंगडन डाउन। तो जॉन लैंगडन डाउन जो थे, उन्होंने सब डाउन सिंड्रोम का पता लगाया था, इसकी खोज की थी। और इसके कॉजेस किस वजह से होता है डाउन सिंड्रोम, तो इसका कॉज है एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम 21, यानी यहाँ 21 जो क्रोमोसोम होता है 21वां पेयर, उस पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, तीन क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो यही इसका रीजन होता है जिसकी वजह से कुछ ह्यूमंस में जो है डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। अब टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, अब आइए हम पता करेंगे जानेंगे कि ये कितने तरह के डाउन सिंड्रोम होते हैं। तो ये तीन तरह का होता है। तो पहला होता है ट्राइसोमी। इस कंडीशन में क्या होता है, जो 21वां पेयर क्रोमोसोम का होता है उसमें दो क्रोमोसोम होने की जगह, यानी एक पेयर क्रोमोसोम होने की जगह पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है पूरी बॉडी के सेल में, तो इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। और 90% से ऊपर जो डाउन सिंड्रोम होता है वो ट्राइसोमी 21 ही होता है, यानी सबसे कॉमन यही होता है। दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। तो इसमें जो 21वां पेयर क्रोमोसोम का होता है जो एक्स्ट्रा, तो वो जाके किसी दूसरे क्रोमोसोम पेयर पे जाके चिपक जाता है, यानी या जो 13वें पे जाके चिपक सकता है, 14वें पे, 15वें पे, यानी वो जाके वहां से दूसरे पे, तो ये 21 पेयर क्रोमोसोम का पोर्शन जाके दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच हो रहा है, इसीलिए एक जगह से जाके दूसरी जगह पे अटैच हो रहा है, इसीलिए हम इसे ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कह रहे हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है मोजेक डाउन सिंड्रोम। तो इसे मोजेक डाउन सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कंडीशन में किसी सेल में तो 21वां पेयर नॉर्मल रहता है, यानी दो ही क्रोमोसोम रहते हैं, और किसी सेल में तीन क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी किसी सेल में बॉडी की ट्राइसोमी पाई जा रही है, किसी सेल में नहीं पाई जा रही है। तो इस तरह से जो मोज़ेक बन रहा है, तो इसीलिए इस तरह का जिन लोगों में डाउन सिंड्रोम होता है कि किसी सेल में तीन है क्रोमोसोम 21 और किसी में दो हैं, तो उस कंडीशन में मोज़ेक डाउन सिंड्रोम होता है। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप्स के डाउन सिंड्रोम क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम इसके साइन और सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनको डाउन सिंड्रोम होता है वो कैसे दिखते हैं और उनमें जनरली क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो एक तो होता है, उनमें जनरली सीरियस हार्ट प्रॉब्लम पाई जाती है, फ्लैटेंड फेस होता है, चपटा फेस होता है उनका जनरली, स्मॉल हेड होते हैं, मतलब सर छोटा होता है, शॉर्ट नेक होती है, गर्दन छोटी होती है, अपवर्ड स्लैंटिंग आइज होती है, यानी इस तरह से आइज होती हैं उनकी, ऐसे ऐसे जनरली आइज ऐसे ऐसे होती हैं ना,
लेकिन उनकी कुछ स्लैंटिंग होती है ऊपर की ओर उठी हुई ऐसे, और जो है और यानी अपवर्ड स्लैंटिंग आईलिड्स होती हैं, और पुअर मसल स्टोन होती है यानी उनकी मसल्स भी वीक होती हैं, फरोड टंग होती हैं एंड पार्सली ओपन माउथ होता है, और उनका जो है और जो पैर की उंगलियां होती हैं उनके बीच की गैपिंग भी थोड़ी ज़्यादा होती है, और हाथ की जो बनावट होती है फिंगर्स की वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है, और फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, और उनका जो शारीरिक विकास होता है जो ये साइकोमोटर जो मन उनका विकास होता है साइकोलॉजिकल विकास होता है, और जो उनका दिमागी विकास होता है मेंटल डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना अगर उनको प्रेगनेंसी टाइम में अगर सोनोग्राफी के थ्रू और ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ जो मदर के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उसके थ्रू जो है पता चल जाता है कि बच्चा जो है उसे डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, और बच्चे के पैदा होने के बाद भी टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। और ऐसा जनरली उस केस में होता है ना अगर माँ माँ मा की एज 35 से ऊपर है तो ऐसी ऐसे बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी होती है, या जो बच्चे IVF के थ्रू होते हैं उनमें भी होती है, तो इस तरह से या जिसके पेरेंट्स में किसी को है डाउन सिंड्रोम उसको भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब आइए इसके ट्रीटमेंट के लिए के बारे में बात कर लेते हैं। तो डाउन सिंड्रोम कैन नॉट बी क्योर्ड यानी इसे ठीक नहीं किया जा सकता, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है उसे डाउन सिंड्रोम है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। और सप्लीमेंट की बात करें तो अमीनो एसिड एंड सम अदर ड्रग्स टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, तो अमीनो एसिड सप्लीमेंट दें या कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका सप्लीमेंट जिनको देने पे बच्चे की जो है उनके सीखने की क्षमता समझने की क्षमता जो है कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। आई होप अब आपको डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया होगा। थैंक यू।